अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आप किराना बिज़नेस कैसे और कितने में शुरू कर सकते हैं, इस कारोबार के क्या फ़ायदे और नुकसान हैं, और इस काम को कितने पैसे से किया जा सकता है। आज हम किराने के कारोबार में तफसील से बात करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। नंबर एक, जगह का इंतखाब। आप जब भी किराने के कारोबार करने का इरादा करें तो उसके लिए कोई अच्छी सी लोकेशन देखें, क्योंकि ये कारोबार तब ही चलेगा जब आपकी दुकान किसी रश वाली जगह पर होगी और जहाँ लोगों का आना जाना ज़्यादा होता है। इसलिए इस काम को शुरू करने से पहले किसी अच्छी जगह पर दुकान देख लें। ये दुकान आपकी अपनी भी हो सकती है और किराए पर भी ले सकते हैं। अगर आप किराने का कारोबार गाँव में शुरू कर रहे हैं तो अभी जगह का इंतखाब सोच समझ कर करें ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। नंबर दो, रैक्स या फर्नीचर। अब जबकि आपने अपने कारोबार के लिए अच्छी सी लोकेशन पर दुकान देख ली है तो अब बारी आती है रैक्स की। आप अपनी दुकान के रैक्स बनवा लें। इससे बेहतर यह है कि अगर आपको सेकंड हैंड रैक्स मिल जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। रैक बनाने पर आपका तकरीबन 80,000 से 1,00,000 रुपए तक का खर्चा हो सकता है, जिसमें काउंटर वगैरह भी शामिल होंगे। ये इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है दुकान के साइज़ पर। अगर दुकान बड़ी है तो मुमकिन है इससे ज़्यादा भी खर्चा हो जाए, और अगर दुकान छोटी है तो इससे कम इन्वेस्टमेंट में रैक तैयार हो जाएंगे। नंबर तीन, किराना या जर्नल आइटम्स। अब बात करते हैं दुकान में आप कौन कौन सी चीज़ें रखेंगे, जिसमें शामिल है आटा, चीनी, चावल, मुख्तलिफ किस्म की दालें, सर्फ, साबुन, दूध वगैरह सब शामिल है। इन तमाम चीज़ों की तफसील आप इस वीडियो में देख सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके अलावा इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं, अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 3 से 5 लाख में इस कारोबार को आप अच्छे लेवल पर शुरू कर सकते हैं, और अगर बजट देखी जाए तो आप 10,000 के सेल पर 1,000 से 1,500 रुपये तक कमा सकते हैं, और जितनी ज़्यादा सेल करेंगे उसके हिसाब से बचत होगी, और आप महीने का आसानी के साथ 30 से 50,000 तक कमा सकते हैं या फिर इससे ज़्यादा भी। नंबर चार, दुकान को कैसे चलाएं। दुकान को कामयाबी के एहसास कैसे चलाएं, ये बहुत ही अहम सवाल है। दुकान बना लेना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी बंदा जिसके पास 2-3 लाख रुपए हैं वो दुकान बना सकता है। असल चीज़ दुकान को कामयाबी के साथ चलाना है। एक नया कारोबारी बंदा या दुकानदार अपनी दुकान को कैसे चलाए, इसके लिए मेरी इन बातों पर ज़रूर ध्यान दें। नंबर एक, शॉप टाइमिंग। फर्ज करें आपने अच्छे से दुकान बना ली, काफ़ी ज़्यादा खर्चा करके दुकान को सामान से बाहर लिया, और जब ग्राहक आपकी दुकान पर आए और दुकान बंद हो तो क्या ऐसी दुकान चलेगी? बिल्कुल भी नहीं। तो इसके लिए ज़रूरी है शुरू दिन से ही दुकान वक्त पर खोलें और वक्त पर बंद करें, ताकि ग्राहक को मालूम हो कि यह दुकान सुबह इस टाइम से लेकर रात को इतने बजे तक खुली रहती है। नंबर दो, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अगर आपने ठीक से दुकान करनी है तो आपको सामान पूरा रखना होगा। कोई भी ग्राहक आपकी दुकान से खाली वापस नहीं जाना चाहिए। आपको अपनी इन्वेंट्री को ठीक से मैनेज करें ताकि ग्राहक को उसकी ज़रूरत का सामान वक्त पर मिल सके। नंबर तीन, कस्टमर सर्विस। जब आप नई नई दुकान शुरू करें तो ग्राहकों को अच्छे तरीके से डील करें, उनकी बात को तवज्जो से सुनें। अगर ग्राहक को किसी किस्म की शिकायत हो तो फौरन उसको हल करें। ज़्यादातर ग्राहकों को कीमतों से मुतलिक शिकायत होती है कि फलां दुकानदार तो ये चीज़ इतने में दे रहे हैं और आप तो इतने में क्यों दे रहे हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप शुरू शुरू में रेट को मुनासिब रखें ताकि ग्राहक को शिकायत का मौका ना मिल सके। नंबर चार, अवॉइड क्रेडिट। जब आप नई नई दुकान करते हैं तो लोग आपके पास उधार लेने पहुंच जाते हैं, और एक नया दुकानदार खुशी से उधार दे भी देता है क्योंकि उसको लगता है कि उसकी सेल बढ़ रही है, लेकिन लोग फिर भाग जाते हैं। इसलिए एक नए दुकानदार को चाहिए कि एक हद तक ही उधार दे, और वो बंदा जब तक पहले पैसे वापस ना करे तब तक मज़ीद उसको उधार ना दे।
उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।